डिसमिस हुए, दो डूमा फटाफट से शामिल हुए, कंजर्वेटिव्स थर्ड डूमा में पटापट से वर्ल्ड वॉर वन हुए, 1914 में झटाझट से सेंट्रल पार हुए, जर्मनी ऑस्ट्रिया ऑटोमन टर्की झटाझट से, फ्रांस ब्रिटेन रशिया अलायंस बनाए झटाझट से, ईस्टर्न फ्रंट पर मिलिट्री में कैजुअलिटीज हुए। अक्टूबर मैनिफेस्टो के बाद रेवोल्यूशनरीज भी शांत कि अब तो कंसल्टेटिव डूमा बन गया है, हमारी प्रॉब्लम्स राजा जी तक पहुंचेंगी, उनका सोल्यूशन होगा और ये रिवोल्ट एक तरह से शांत हो गया। लेकिन जार जी के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ ये कंसल्टेटिव डूमा बनाया था वो तो डूमा बनने के 75 दिन बाद ही उन्होंने हटा दिया, फिर सेकेंड डूमा बनाया। उनको लगा सेकेंड डूमा भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो सेकेंड डूमा भी जल्दी ही हट गया। फिर थर्ड डूमा में वो सारे उन कंजर्वेटिव्स को ले आए जो कि राजा जी के हिसाब से ही चलना चाहते थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, रशिया को भी फ्रांस ब्रिटेन के साथ अलायंस बनना पड़ा। अब जर्मनी की सेना तो वेल इक्विप्ड थी, रशिया के पास आर्म्स भी नहीं थे, भुखमरी भी थी, गरीबी भी थी, सैनिकों का मनोबल भी काफी गिरा हुआ था। उस समय हालत बहुत खराब थी रशियन सोल्जर्स की, कई जगह तो उनको एमिनेशन तक नहीं दिया गया था कि आप आगे बढ़ो, आगे आपको जो मरे हुए सैनिक है उनके एमिनेशन मिल जाएंगे या दुश्मन के सैनिकों के हथियार छीनकर ही उस पर वार करो। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के साथ लड़ाई में रशिया की मिलिट्री में बहुत कैजुअलिटीज हुए, इतनी कैजुअलिटीज हो रही थी, सोल्जर्स की कमी हो रही थी लड़ाई पर, तो जनता को बोला गया कि जो जो इंसान वॉर पर जाने लायक है वो वॉर पर जाए, जो किसान है मजदूर है सारों को वॉर पर भेजा गया। फैक्ट्रीज बंद हो गई, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा था, एग्रीकल्चर में और कमी आ गई। वैसे ही यूरोप के बाकी देशों की तुलना में रशिया में अनाज सिर्फ 4-5 महीने होता था और वो भी सिपाहियों के लिए भेजा जाने लगा, देश में त्राही त्राही मच गई।